आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप या लुकअप मेथड आप कह सकते हैं। देखिए लुकअप मेथड क्या है, चीज को जानिए। आप कॉलेज के जमाने में आप अपनी रिजल्ट को देखने के लिए क्या करते थे, वेबसाइट पे जाते थे, अपना रोल नंबर टाइप करते थे तो आपको आपका रिजल्ट। आप अकाउंट बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट नंबर देते हैं, बैंक का अपना अकाउंट नंबर डालता है और डिटेल पिक कर लेता है। उसी तरह से मतलब कि एक बड़े डेटाबेस में से किसी पर्टिकुलर यूनिक आईडी के बिहाफ पे बाकी डिटेल्स को लुकअप करना, इट्स वी लुकअप। वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। जैसे कि यहां पे मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये हमारा एक डेटा है, एक सेल्स का डेटा है, राइट? और इसका जो यूनिक आईडी है वो हमारा सेल्स की आईडी है। मान लीजिए कि हमारे किसी टीम ने या किसी पर्सन ने हमें कुछ रेफरेंस दिए, उन्होंने बोला कि मुझे 1150, 1120, 1105 इसका डेटा दे दो, डिटेल्स दे दो, कि पूरी डिटेल्स दे दो जो डिटेल्स यहां दिख रहा है। तो अगर आप वी लुकअप इस्तेमाल ना करें तो क्या करना पड़ेगा, आपको जाके इसमें इस आईडी को सर्च करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट मिलेगा तो फिर उस रिजल्ट को आप कॉपी करोगे और यहां पे आप पेस्ट। अब चलिए एक दो है तो आप कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए कि आपका डेटा लाखों का है, उसमें से हजारों का डेटा निकालना है, ये तो आपको कॉपी पेस्ट से पॉसिबल नहीं है, कॉपी पेस्ट से पॉसिबल नहीं है। क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है सर। हाँ बिल्कुल, बताइए। इसके लिए हम वी लुकअप कलर यूज करेंगे, हम लिखेंगे वी लुकअप, हम इसको सिलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू, फिर डेटा में जाएंगे और हम सिलेक्ट करेंगे अपना टेबल। देखिएगा हमने लुकअप वैल्यू लिया एसआईडी, तो हम अपने डेटा में सिलेक्शन एसआईडी से ही करेंगे, ठीक है? और कॉमा, अभी क्या है कि जब इसने ढूंढा आपको 1050 के लिए उसको 8-10 से ऊपर कॉलन आया, लेकिन स्पेशल रूल कहता है एक सीट एक सेल में किसी एक सेल का ही दे सकता है। तो मुझे अगर टीम का चाहिए तो टीम कितने नंबर कॉलन पे है, तो दूसरे नंबर पे 1 और 2, यहाँ पे कॉमा 2 और यहाँ पे कॉमा 0 करेंगे, एंटर करते हैं, आपके सामने रिजल्ट आ, ठीक है सर? हेलो, अधिकार जी समझ में आया? विकास जी आपको ये तो मैं दोबारा दिखा देता हूं, हम वी लुकअप लगा रहे हैं, वी लुकअप में हमने सिलेक्ट कर लिया एसआईडी, और वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है, तो हमें C1 में जाना है और जो सिलेक्शन जहां पे एसआईडी है उसी से हमें लेफ्ट की तरफ सिलेक्शन करना है, लेफ्ट टू राइट की तरफ। अगर उसके बीच में है तो फिर वी लुकअप वर्क नहीं करेगा, वी लुकअप उससे आगे के डेटा दिखाएगा, पीछे डेटा नहीं दिखाएगा। समझे? यस। तो यहां पे हम सिलेक्शन करें और हमारा टीम मेंबर, तो यहां पे हम दे देंगे यहां पे कॉमा 1 SID 2 में टीम, हमारा 3 है तो 3 और कॉमा। अब 0 क्यों करते हैं, यहां पे हम फॉल्स भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि फॉल्स इक्वल टू 0, ट्रू इक्वल टू 1, हम 0 दे सकते हैं तो रिजल्ट सामने। अब यहां पे नहीं आता है कि इतना बड़ा टीम
जाए सबको एक एक करके लगाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा क्या? तो हम इसको करेंगे ड्रैग, उससे पहले हम करेंगे इसको फ्रीज। हम इस पे डॉलर की साइन लगा देते हैं, अभी हम डॉलर की साइन लगा देते हैं, इसको हम यहां से यहां तक ड्रैग करते हैं। लेकिन सब में एक ही आया क्योंकि कॉलम नेम जो है हमारा वो कॉलम नेम हमें डालने होंगे मेनू वाले फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अच्छा लिमिट से ज्यादा हो गया तो ऐसे वन वन करके लिखना पड़ेगा, ये भी दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे अब इससे इसकी इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर में हम यहां से वन टू करते हैं और फिर यहां पे हमने लिख दिया टू वन होना चाहिए ना। हाँ मामला जी देख लेता हूँ, और सुबह 8 बजे की टाइमिंग तो क्या हो गया था। कब ज्वाइन करेंगे आज, कब टाइम आपके पास? ठीक है कल मिलते हैं, कल 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 कल। और फोन उठा कल, फोन सुबह फोन किया था, फोन ही पिक नहीं किया था, फिर फोन उठाया। ईयरबड्स नहीं, क्लासरूम नहीं, ऑनलाइन है सर। हाँ वो निकल पहले डाल लीजिए ना, फिर बाकी चीज डिस्कस कर लेंगे। सॉरी तो यहां पे आपने देखा, अब यहां पे मैं क्या करूंगा कि जो कॉलम नंबर था उस कॉलम नंबर में मैं इस टू को सिलेक्ट कर एंड कॉमा जी सुनाया आपको कि नहीं? नहीं नहीं देखिए यहाँ पे है आपका लुकअप, सुनिए एक मिनट, ये आपका लुकअप वैल्यू हुआ। क्या लुकअप करना है इसमें? टेबल अंडरस्कोर एरे है, मतलब कि इसमें आप टेबल भी डाल सकते हैं और एरे भी डाल सकते हैं। अभी हम टेबल भी डाल सकते हैं और एरे भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम आपको टेबल समझा रहे हैं, हम एरे आपको आगे क्लास में समझाएंगे। हाँ। नहीं टेबल अलग हुआ और एरे अलग हुआ, सुनिए एक मिनट एक एक मिनट। टेबल का मतलब हुआ आपका एक डेटा, एक सीट के अंदर डेटा, राइट? और एरे के मतलब हुआ कि आप फॉर्मूले के अंदर ही कर्ली ब्रैकेट में अपना डेटा डाल दें इस तरह से,
समझ गए, इसको एरे कहते हैं। ये जो एरे वाला सिस्टम है वो आपको हम आगे क्लास में समझाएंगे, फिलहाल इसको इग्नोर करें। तो टेबल का मतलब हुआ कि किसी भी सीट का डेटा। यहां डाल दिया, अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले हमें इसको करना पड़ेगा फ्रीज। और हम इसको आगे की तरफ ड्रैग। ठीक है, लेकिन हम आपको लास्ट क्लासेस में एक फॉर्मूला बताया था कॉलन का। कॉलन फॉर्मूला क्या था कि अगर इसके अंदर में अगर मैं किसी कॉलम का रेफरेंस डालता हूं तो उसका कॉलम नंबर दे देता है। तो यहां टू दिया और हम अपने फॉर्मूला में भी हम टू ही डालते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको अपने फॉर्मूले में इस्तेमाल करें। हम यहां वी लुकअप लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और वापस जाएंगे इसमें। और इसके अंदर हम कॉलम का फॉर्मूला लगाते हैं और कॉलम के फॉर्मूले में हम इसका कॉलम नंबर सिलेक्ट करके दिए। ठीक है, अब इसको आगे ड्रैग करेंगे। तो हमें ऊपर में ये जो हमने एक रो में नंबर दिया हुआ है वो नंबर देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको ये? यस सर। ये आपका एक बेनिफिट है। ठीक है, छह में मैं एक इंटरव्यू में गया था तो मुझसे एक सवाल पूछा गया था। सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा और उसका जवाब मैंने दे दिया था। उनका सवाल यह था कि वी लुकअप हम लगाते हैं पर हमें फ्रीज करना होता है और फिर हमें ड्रैग करना। उनका कहना था कि एक ऐसा तरीका बताइए जो एक ही वीलुकअप लगाए, एक ही बार लगाए और न फ्रीज करने का झंझट न ड्रैग करने का झंझट, पूरा डेटा न। तो मैंने क्या किया, जितने एरिया में वीलुकअप लगाना था उतना एरिया को सिलेक्ट किया और हम एक्टिव सेल में वीलुकअप लगाना शुरू कर दिए। वीलुकअप और हम अपने गए डेटा को सिलेक्ट कर लिए। अब इसमें जो कॉलम नंबर देना था तो उस कॉलम नंबर को पहले हम कॉपी पे लिख लिए कि क्या क्या सीक्वेंस है कॉलम का और फिर हम कर्ली ब्रैकेट में सारा कॉलम नंबर यही पे दे दिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब जो ही नहीं, ये सीक्वेंस ही होना चाहिए। वो ए 5 से पहले 3, 5 से पहले आपका 9 भी आ सकता है या 10 के बाद 2 भी आ सकता है, तो आपके डेटा को नीड है। और फिर कॉमा जीरो करके अब यहां पे मैं नॉर्मल एंटर प्रेस नहीं करूंगा, मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। एक ही बार में मेरा वीलुकअप लग गया, कोई ड्रैग करने का सिस्टम नहीं,
ये बात नीचे की तरफ ड्रैग करने की, नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे एक और चीज है कि बीच में डिलीट नहीं कर सकते। मैं दोबारा आया बताता हूं क्या कैसे करना है। हमें एरिया सिलेक्ट करना है जितने एरिया में हमें लगाना है, और फिर हम वीलुकअप लगाएंगे। वीलुकअप का हमने सिलेक्ट किया, सीट पे गए, टेबल को सिलेक्ट कर लिया, और फिर यहां पे मैं कर्ली ब्रैकेट में सारे कॉलम नंबर जो हमें अलग अलग वीलुकअप में देने होते थे एक साथ हमने दे दिया। मैंने क्लोज किया, कॉमा जीरो कर दिया। अब यहां पे मैं कंट्रोल सेव्ड एंटर प्रेस करूं, रिजल्ट आ गया। राम जी समझ में आया आपको? विकास जी समझ में आया? यस सर। और इसमें अब मेरे पास क्या है, डाला। अब मेरे पास जो है वो सीक्वेंस नहीं है, मेरा चेंज होते रहता है, कभी कुछ चेंज होते रहता है। मैं चाहता हूं कि हमारे इस कॉलम के अकॉर्डिंग फिट करें, क्योंकि हम वीलुकअप लगाते समय कॉलम नंबर हम नहीं लिखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप ऑटोमेटिक कॉलम नंबर हेडिंग के अकॉर्डिंग ढूंढ लें। जो ये हेडिंग है और हमारा डेटा का हेडिंग है उसका स्पेलिंग सेम है, हमारे पास मैच का फॉर्मूला होता है। मैच का फॉर्मूला क्या करता है, जैसे B15 मतलब तीन को हमने लिया और हमने डेटा के पूरा एक रो को सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा जीरो कर लिया। ये फॉर्मूला मैंने कल बताया था, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चलता है। ये बता दिया कि तीन का कॉलम नंबर क्या है। अब मैं वीलुकअप लगाऊंगा, B14 है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और फिर वापस हमने सीट वन पे गया और सीट वन पे हमने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया और जहां पे हमें कॉलम नंबर चाहिए वहां पे मैच का रिजल्ट B14 को रेफर कर, रिजल्ट आ गया। अब जो B14 का रिजल्ट है एड्रेस है उसके हम उसको उसके मैच फॉर्मूला से रिप्लेस कर देते हैं। अब आगे ड्रैग करने से पहले हमें इसको फ्रीज करना। ठीक है, तो कॉल नंबर डालने का झंझट नहीं है। क्या बोला निकांत जी? रेशम जी और विकास जी, आपको जो मैंने अभी 4-5 वीडियो लिंक भेजा है वीलुकअप का, उसको एक बार देख लें। आगे हम वीलुकअप में कुछ ट्रिक्स और कुछ लुकअप मेथड में ट्रिक्स हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस वीडियो को एक बार कंप्लीट कर लें फिर आगे बताएंगे, ठीक है। वीलुकअप इंपॉर्टेंट है तो इसको प्रैक्टिस करते के साथ ही पढ़िए। ओके, आप कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं।
सर मुझे एक डेटा मिला था, तो उसमें जो टाइम था वो नंबर में था, जैसे 9 घंटे 88, 7 52, 6 48। मतलब आप बोल, तो मुझे वो आपको जो टाइम मिला उसे 9 घंटे 20 मिनट ऐसे नहीं था, 9.20 था, ये बोल रहे हैं जी? ये तो बताइए क्या चाहते हैं, बताइए। तो इस तरीके से था, 7.80 था, 6.43 था, तो मुझे उसमें ये निकालना था कि जिनका, और वो टाइम से निकालना था कि मुझे एक घंटा कम है या 2 घंटे कम है इसमें, 9 घंटे से कम काम कीजिए, इसको डिवाइड बाय 24 कर दीजिए, आपका टाइम कम इतना आ जाए। ठीक है, अच्छा ठीक ठीक सर, अगर नंबर को टाइम में कन्वर्ट करना तो वो 24 से डिवाइड होगा? हाँ, नहीं हाँ, अगर टाइम को नंबर से कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 24 कर दीजिए। ओके सर, मल्टीप्लाई बाय 24 होता है, 23 होता है, नहीं 24 ही होता है, मल्टीप्लाई 24 करने से आते जाते हैं कि 8:20 है तो 8 क्यों आ रहा है? आप ये देखिए, तो ताकि इससे पहले तो आ गया था हमारा, अच्छा नहीं नहीं हाँ, इसको नंबर फॉर्मेट में करना पड़ेगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। ओके ठीक है सर, आप देखिए कि 9:20 है, यहाँ पे 9.33 क्यों है? तो पे टाइम होता है और नंबर हंड्रेड पे होता है, बात समझे जी सर जी? नहीं होगा फिर दूसरा तरीका बताएंगे आपको, ठीक है सर।